साईं की बात, जो बच्चे मुझ पर धैर्य रखते हैं ना, जो बच्चे मुझ पर विश्वास करते हैं ना, उनका कार्य मैं स्वयं करता हूँ मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारे सदैव तुम्हारे पास रहता हूँ मेरे बच्चे, सदैव तुम्हारे पास रहता हूँ। और हाँ, जो बच्चा मेरी सेवा करता है ना, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि मेरे धन से सेवा करो, जो बच्चा मन से और तन से भी किसी की सेवा करता है ना, तो वो भी मुझे भाता है, वो भी मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है जब तुम किसी के दर्द को समझते हो, उनकी तकलीफों को समझते हो, उन्हें सही राह दिखाते हो, तो वो भी मेरी बच्चे मेरे लिए एक सेवा है। मेरे बच्चे, जो तुम करते हो ना, जो निस्वार्थ भाव से करते हो, वही मुझे बहुत प्यार आता है तुम पर, बहुत। तुम मेरे खास बच्चे हो मेरे बच्चे। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे मेरे बारे में बोलते हैं, पर मेरे बच्चे कब और कहाँ किसको बोलना है ये तुम्हें समझना होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हें नहीं समझता और तुम्हारे साईं को भी नहीं समझता। मेरे बच्चे, तो सोच समझ कर मेरे बारे में भी बातें किया करो, हर जगह मत किया करो मेरे बच्चे। और मैं तो तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ तो सदा तुम पर रहता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, और मैं हमेशा वही करने की कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ हों। एक नया सुनहरा मौका बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और वो जब सुनहरा मौका तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम बहुत जल्द शिरडी आओगे, तुम देखना। और जब तुम शिरडी आओगे ना, उसके बाद तुम्हारे सारे अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, तुम देखना मेरे बच्चे, सारे काम तुम्हारे बनते चले जाएंगे। बस तुम एक बार शिरडी आ जाओ मेरे बच्चे, और बहुत जल्द बुलाने वाला हूँ, बस तुम तो तैयारी रखो, बहुत जल्द तुम आ रहे हो। और हाँ, अगर कोई तुम्हें समझाने की कोशिश करता है ना मेरे बच्चे, तो उसकी बातों को समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी चिंता करते हैं ना, वही तुम्हें समझाते हैं मेरे बच्चे, तुम्हें गलत राह पे नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें समझना होगा, अपने आप को संभालो, गलत रास्तों पे जाने से अपने आप को रोकना शुरू करो मेरे बच्चे, यूँ गलत चीज़ों में मत जाओ मेरे बच्चे। और हाँ, जो तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है ना, उसे सही तरह से करो मेरे बच्चे, और लगन से और मन से करो मेरे बच्चे, अपने जिम्मेदारियों को निभाना सीखो। और कुछ मेरे बच्चे बहुत मन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, पर मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम देखना आने वाले वक्त में तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम आज मेहनत कर रहे हो तुम्हें आज फल नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, बस यूं ही लगन से आगे बढ़ते चलो, तुम देखना एक ना एक दिन तुम्हें मैं खुद उस शिखर पे पहुंचाऊंगा ना, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी मेरे बच्चे, तुम देखना मेरे बच्चे। और हाँ, कुछ जिद लेके बैठे हैं, तो मेरे बच्चे कुछ चीज़ें सही नहीं होती, तो उसकी जिद करना छोड़ दो मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम जिद करो, क्योंकि कुछ चीज़ें सही नहीं होती मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें वो अभी नहीं दे रहा हूँ, जब मुझे लगेगा सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो, किसी और ढंग से दूंगा, तुम्हारे पास वो चीज़ पहुँच जाएगी मेरे बच्चे। और हाँ, कुछ मेरे बच्चों का मन है कि वो शिरडी का प्रसाद चाहते हैं, तो मेरे बच्चे चिंता मत करो, वो तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, बस तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, तुम्हें किसी से कहने की या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, वो प्रसाद तुम तक अपने आप पहुंच जाएगा। तुम कहते हो ना कि साई तुम्हें शिरडी का प्रसाद खाना है, तो मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हें शिरडी का प्रसाद मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पहुँच जाएगा मेरे बच्चे। और हाँ, जब तुम अपने घर में अपने बुजुर्गों के पैर दबाते हो ना मेरे बच्चे, जो तुम सेवा करते हो, तो उससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरा ही कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है मेरे बच्चे। और तुम्हें उन बुजुर्गों का आशीर्वाद और दुआएं भी मिलती है मेरे बच्चे, इसी तरह किया करो, उनकी आशीर्वाद लिया करो मेरे बच्चे, उन्हीं के साथ ही मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचता है मेरे बच्चे। और हाँ, अगर कोई तुम्हारे जीवन में अच्छा कार्य करे ना, तो उसे शाबाशी देना सीखो मेरे बच्चे, उसे शाबाशी दिया करो। जब तुम कुछ गलत काम करने पे किसी को डांटते हो ना, तो फिर अच्छा काम करने पे मेरे बच्चे शाबाशी भी दिया करो मेरे बच्चे। और हाँ,
मैं तो इतना आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे इतने संतोषी में है ना कि सब उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया है कि बाबा आप संभाल लो। तुम्हारी इस तरह की सेवा देख के, इस तरह की भक्ति देख के ना तो मैं भी हैरान हूँ मेरे बच्चे, मैं भी हैरान हूँ कि तुम किस तरह से अपने साईं पर अटूट विश्वास करने लगे हो। पर चिंता मत करो, तुम्हारा विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, कभी नहीं टूटने दूंगा। जो जो तुमने मांगा है ना, जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो सब मिलेगा मेरे बच्चे, सब मिलेगा। और हाँ, जो तुम्हारे दर्द का कारण है ना, उस दर्द को भी मैं बहुत जल्द हल्का कर दूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द हल्का कर दूंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और हाँ, तुम्हारे रास्ते में जो तुम्हारे आड़े आ रहे हैं ना, जो कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे आड़े आने की, तो मेरे बच्चे तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, ये तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मैं रुकने दूंगा भी नहीं, तुम्हें आगे से आगे बढ़ते चलना है मेरे बच्चे, रुकना नहीं है, थमना नहीं है मेरे बच्चे। अपने तरक्की के रास्ते में तुम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे बच्चे, ऐसे ही आगे बढ़ते चलो मेरे बच्चे, आगे बढ़ते चलो।